लॉन्ग बैटरी लाइफ स्मार्टफोन अंडर 12,000। तो यार अगर आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ स्मार्टफोन चाहिए 12,000 के बजट रेंज में, आज इसी टॉपिक की बात करेंगे। ज़्यादा समय खराब नहीं करते, बात करते हैं नंबर फाइव की बात करूँ। नंबर फाइव पर यार मैंने रखा है टेक्नो कमांड 16 को। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका डिस्प्ले साइज आपको बड़ा देखने को मिल जाता है। अगर आपने गेमिंग करनी है या अगर आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो, आपका एक्सपीरियंस तगड़ा होने वाला है, बिकॉज आपको डिस्प्ले साइज बड़ा मिल जाता है। सो दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूँ, और कोई भी रीज़न नहीं देखने को मिलता। आपको 3 कलर्स में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। 11,000 इसका प्राइस है। उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट वगैरह हो गया या फेस अनलॉक वगैरह हो गया आपको नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। लुक डिफरेंट है, इसकी जो लुक है ना इस प्राइस रेंज में किसी स्मार्टफोन में आपको ये लुक नहीं देखने को मिलेगी। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने गेमिंग करनी है या अगर आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा होने वाला है। अभी बात कर लेते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.8 इंच की IPS LCD देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को MediaTek Helio G70 देखने को मिल जाता है, जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। स्टोरेज की बात करूं आपको 4GB रैम मिल जाती है, प्लस 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। बैटरी की बातों को 5000mAh की बैटरी मिल जाती है। कैमरे की बात करूं आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 64 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP। सेल्फी की बात करूं आपको 60 MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं आपको 11,000 के बजट रेंज में टेक्नो कमांड 16 देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया टेक्नो स्मार्टफोन के। तो भाई अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है आप जा सकते हो। अगर आपने गेमिंग करनी है, कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए, अलग डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए, उसके बाद भाई अगर आपको बैटरी मैटर करती है, उसके बाद भी अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए, आप सभी बंदों के लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है 12,000 के बजट रेंज में। ये तो मिली आपको 11,000 के बजट रेंज में रहा है। तो भाई अगर आपने चालू करना है, स्पेसिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। खुद चेकआउट करना चाहते हो, कलर वगैरह चेकआउट करना चाहते हो, या फिर अगर आप स्पेसिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चेकआउट कर लेना, चेकआउट करना चाहते हो। तो आगे बात करते हैं नंबर फोर की बात करूं। नंबर फोर पर यार मैंने रखा है मोटो G13 को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं तो सबसे पहले अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील होने वाला है। ये स्मार्टफोन जो है वो 2 कलर्स में देखने को मिलता है, फैंटम ब्लैक कलर में एंड स्काई कलर में, ठीक है। उसके बाद आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ मिल जाती है एंड इसकी कैमरा क्वालिटी भी आपको तगड़ी मिल जाती है। बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बात करूं आपको 6.5 इंच की IPS LCD मिल जाती है, जो कि 90 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। डिस्प्ले क्वालिटी आपको एवरेज देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करूं आपको स्नैपड्रैगन 662 देखने को मिल जाता है, जो कि 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, जो कि आपकी गेमिंग वगैरह करवा देगा नॉर्मली इजिली। स्टोरेज की बात करूं 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है, 4GB रैम के साथ, 6GB रैम के साथ। स्टोरेज वेरिएंट भी आपको 2 देखने को मिल जाते हैं। बैटरी की बात करूं आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है। तो भाई अगर आपने हार्डकोर गेमिंग नहीं करनी, आपका एक दिन तो नॉर्मली निकाल देगा। अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है शायद फिर आपको चार्ज करना पड़ जाए। आपको 20W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। कैमरे की बात करूं आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, 64 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP। इसकी जो पिक्चर्स क्वालिटी अच्छी होने वाली है। सेल्फी की बात करूं आपको 30 MP के साथ सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं आपको 12,000 के बजट रेंज में मोटो G30 देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है मोटो G13 की। अगर आपने इस स्मार्टफोन को चेकआउट करना है, परचेज करना है, जैसे भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है। अगर आपको बैटरी बड़ी चाहिए, गेमिंग के लिए चाहिए, कैमरे के अकॉर्डिंग चाहिए, या अगर आपको मोटो लवर हो, आप सभी के लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील होने वाला है। आप चेकआउट कर लेना, बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने खुद चेकआउट करना है कर सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ। नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है Realme Narzo 20 Pro को। तो यार सबसे पहले इसका प्राइस पहले आपको 15,000 के बजट रेंज में देखने को मिलता था, उससे अपर ही था, लेकिन अभी इसका प्राइस कम हो गया, जो कि आपके लिए परफेक्ट डील होने वाली है। इसका डिज़ाइन, इसकी लुक सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो भाई अगर आपको डिज़ाइन, कलर या लुक वगैरह मैटर करती है, आप सभी के लिए परफेक्ट डील होने वाला है Realme Narzo 20 Pro। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूं, ये स्मार्टफोन 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है, 2 कलर्स के साथ देखने को मिलता है। कैमरे के लिए परफेक्ट डील होने वाला, प्लस
कैमरा एप्लीकेशन में आपको ऐसे कई फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग को, आपकी फोटोज़ को अपर लेवल तक लेकर जा सकते हैं। प्लस आपको 4K वीडियो ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। तो भी अगर आपने 4K में शूट करना है, आप सभी के लिए परफेक्ट डील होने वाली है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 90 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको हीलियो G95 देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम देखने को मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूँ, 4500mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 65W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। आपके फ़ोन को सिर्फ और सिर्फ ये 30 मिनट्स में फुल चार्ज कर देगा। कैमरे की बातों को 48 मेगापिक्सल के साथ कैमरा देखने को मिल जाता है जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। सेल्फी की बात करूं, आपको 16 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Realme Narzo 20 Pro के। अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है, आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। बाइंग लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाता है। मैं आपको रिपीट कर देता हूं, अगर आपको डिज़ाइन, लुक, कलर वगैरह मैटर करते हैं, आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है। प्लस भाई अगर आपने 4K में शूट करना है, कैमरे में अच्छी फोटोज क्लिक करना चाहते हो, आप सभी के लिए भी डील होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं नंबर टू की बात करूं। नंबर टू पे यार मैंने रखा है Redmi Note 10 को। तो सबसे पहले ये नया लॉन्च हुआ है, इसके कलर, इसका डिज़ाइन एंड इसका कैमरा बहुत अपर मिल जाता है। प्लस इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो भाई अगर आप मूवीज़ देखने के ज़्यादा शौकीन हो, आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील होने वाला है। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बात को 6.43 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि Gorilla Glass 3 की प्रोडक्शन के साथ मिलती है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको स्नैपड्रैगन 678 देखने को मिल जाता है जो कि 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। बैटरी की बात करूं, आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 33W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बातों को क्वाड कैमरा मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। सेल्फी की बात करूं, आपको 30 मेगापिक्सल सेल्फी मिल जाती है। स्टोरेज की बात करूं, 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है। प्राइस की बात करूं, आपको 12,000 के बजट रेंज में Redmi Note 10 देखने को मिल जाता है। यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Redmi Note 10 के। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको IP53 डस्ट प्रूफ रेटिंग देखने को मिल जाती है। जो स्मार्टफोन है आपको डस्ट प्रूफ देखने को मिल जाता है 12,000 के बजट रेंज में। तो भाई अगर आपने जाना है इस स्मार्टफोन की ओर, आप जा सकते हो। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत सही है, डस्ट प्रूफ मिल जाता है, डिज़ाइन लुक वगैरह बहुत अपर है, 4K में वीडियो शूट कर सकते हो। अगर आपको कैमरे के लिए चाहिए, गेमिंग के लिए चाहिए, अच्छा डिज़ाइन चाहिए, अच्छी लुक चाहिए, आप सभी के लिए परफेक्ट डील होने वाला है Redmi Note 10। आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, अगर आप चेकआउट करना चाहो कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं नंबर वन की बात करूँ। नंबर 1 पे यार मैंने रखा पोको M2 Pro को। तो सबसे पहले इसको नंबर 1 पर इसीलिए रखा बिकॉज इसका प्रोसेसर बहुत तगड़ा है। अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है, गेमिंग करनी है, आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला। अगर आपने हाई सेटिंग पे गेमिंग करनी है, आप नॉर्मली इजीली कर सकते हो बिकॉज आपको प्रोसेसर जो है वो बहुत तगड़ा देखने को मिल जाता है। ज़्यादा समय खराब नहीं करते, बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.67 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है जो कि IPS LCD देखने को मिलेगी जो कि Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलती है। मैंने आपको 120 रिफ्रेश रेट लिखा होगा लेकिन इसमें आपको 120 रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलती। प्रोसेसर की बात करूं, आपको स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 6GB रैम मिल जाती है प्लस आपको 128GB स्टोरेज मिल जाती है। बैटरी की बातों को 5000mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। कैमरे की बातों को 48 मेगापिक्सल के साथ कैमरा मिल जाता है जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। सेल्फी की बात करूं, आपको 16 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया पोको M2 Pro के। तो यार इसका प्रोसेसर सच में तगड़ा जो कि 7nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। अगर आपने हाई सेटिंग पे गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, आप इजीली नॉर्मली कर सकोगे, आपको लैगिंग इशू वगैरह नहीं देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। तो यार हर एक कैटेगरीज के बंदों के अकॉर्डिंग मैंने आपको जो है स्मार्टफोन बता दिया। अगर आपको स्लिम एंड स्टाइलिश डिजाइन चाहिए, अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग चाहिए, गेमिंग के लिए चाहिए, टॉप बेस्ट भी बता दिए, टॉप 5 भी बता दिए। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेजना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक एंड इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चालू कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।